हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए कंटेंट होने वाला है। आज जो है बीएससी और बीकॉम का कम्युनिकेशन स्किल का पेपर था, आप देख सकते हैं आज का ये पेपर संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था और कल बीए के स्टूडेंट्स का होगा पेपर। तो ये दो आपका टू डेज में होना था, यानी कि आज बीएससी और बीकॉम का था और कल बीए का होने वाला है। अब इसकी सॉल्विंग हम लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चन हैं। इससे दो स्टूडेंट दोनों ही को फ़ायदा होने वाला है, जिनका आज पेपर था उनकी सॉल्विंग हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि उनके नंबर कितने आने वाले हैं, और जो बीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसा होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि भाई कैसा पेपर आएगा, लैंग्वेज दोनों होंगी या सिर्फ एक होगी, या फिर आपका थ्योरी आएगा या एमसीक्यूज आएगा। आज सबके डाउट जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। एमसीक्यू बेस हमने कहा था कि 100% जो है एमसीक्यू बेस आना है और दोनों ही लैंग्वेज में आना है। सभी स्टूडेंट्स को हमने इन्फॉर्मेशन दी थी और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जुड़े रहना है हिंदी मिरर के साथ। आगे भी हम लोग आपके लिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो और इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि जब हिंदी परिवार का हिस्सा बनेंगे तभी आप तक सारी चीज़ें पहुंचेंगी। और एक लाइक तो बनता है, पूरे 100 क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। और बीए वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके रिपीट होने वाले हैं कल के पेपर में। तो अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएं। तो 100 क्वेश्चन हैं, सभी के आंसर आपको मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखने, और जो क्वेश्चन मैं आपको 200 क्वेश्चन जो मैं करा चुकी हूँ उनको भी देखते रहिए। बाकी 100 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगी जो और रह चुके हैं 300 में से, वो आपके लिए अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए सभी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की आपका जो नंबर आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक की है आपके लिए ये। थोड़ा सा पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस तरह से आपको ओमार शीट मिलेगी, और अगर आप कोई भी जल्द थोड़ी सी भी मिस्टेक करके आते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। आप अगर एक ही सर्कल बनाएंगे, एक ही सर्कल को ब्लैक करेंगे तो आपका आंसर सही जाएगा। अगर आप दो कर आएंगे तो रॉन्ग चला जाएगा, आधा फिल करेंगे तब भी रॉन्ग चला जाएगा, अगर आप ऐसे करते हैं तब भी आपका रॉन्ग चला जाएगा। तो आप बिल्कुल ब्लैक करेंगे और एक ही को ब्लैक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे आपको अपना सर्कल बिल्कुल ब्लैक करके आना है जो भी आंसर आपका सही होगा। और पहले आपकी जो बुकलेट मिली, जैसे ये बुकलेट मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, तो ऐसी बुकलेट पे सारे क्वेश्चंस पे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन 100 में से आपको आते हैं, एक पैटर्न होता है इनको करने का क्वेश्चंस को। जैसे कि 100 क्वेश्चन है और जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो, चाहे वो 25 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, कितने भी क्वेश्चंस हो जिसमें आप बिल्कुल 100% श्योर होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, टिक कर लेना है और फिर उसके बाद सर्कल करना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ा आपने सर्कल कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। 3 घंटे का पेपर है, बहुत लंबा टाइम है 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास, तो 1 घंटा बिल्कुल इत्मीनान से पूरा पेपर पढ़िए, आराम से टिक करिए और पहले वही क्वेश्चन करिए जो इसमें आप 100% श्योर हो। फिर आते हैं 50% श्योर में, उसमें फिर आप 50% में अच्छे से पूरा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद फिर आप उनको कवर कीजिए। फिर आते हैं 25 श्योर में, उसमें आप एलिमिनेट वाला जो मैंने आपको बता रखा है वो वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं और फिर आप अपने क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं अपने एमसीक्यू बेस करने का। तो चलिए, अब तो फिलहाल हम बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ये समझा दिया आपको। चलो बीए वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बहुत से सारे क्वेश्चन इसमें वही आए हैं जिसकी तैयारी हम अभी तक आपको कराते आ रहे थे। हमने 200 क्वेश्चन दिए हैं, आप मान के चलिए कि आपके 75 के आसपास यहाँ क्वेश्चंस वही आए हैं जो आपको दिए गए हैं 200 में, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में ही कराया था। तो इसमें आंसर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप लगाएंगे कम्युनिकेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे ऑप्शन नहीं बोलूँगी, सीधे सीधे आंसर बोलूँगी जिससे
वीडियो लेंदी ना हो और आपका कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमसे, इसलिए हमें हिंदी में बताना पड़ता है। नेक्स्ट है, पहली भाषा जिसे हमें एक बच्चे के रूप में सीखते हैं, क्या सीखते हैं हम एक बच्चे के रूप में? मातृभाषा सीखते हैं सबसे पहले हम। उसके बाद है, प्राप्तकर्ता ने किसी समझ समझा या प्राप्त कर लिया है, किस विधि के द्वारा हम समझ सकते हैं? तो इसमें थोड़ा समझा दूँ, जहाँ क्वेश्चन समझाने वाला होगा वहाँ मैं आपको समझाऊंगी। और ये 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका उठ सकता है कल के पेपर में। तो प्राप्तकर्ता कौन है जिसको आपने संदेश दिया है? तो वह जो संदेश है, जो उसने समझ लिया है और ले भी लिया है समझ आपका संदेश, तो फिर वह किस विधि के द्वारा हमें पता चलेगा कि वह समझ चुका है? तो वह हमें, जब हमने उसको कोई मैसेज सेंड किया, जब वो हमें उसका रिप्लाई करेगा, यानी कि उसका फीडबैक हमें देगा, उसी के द्वारा हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन, मौद्रिक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्बल आ रहा है, यहाँ पर ये मौद्रिक आ रहा है, तो ये मौद्रिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा मौखिक। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो मौखिक संचार में सामान्यतः किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? तो अब अगर आप जो है वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर किसका, तकनीकी शब्द का, आप मुंह से बात कर रहे हैं तो उसमें स्थानीय भाषा, साधारण भाषा या फिर आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन देख लीजिए, चेहरा द्वारा प्रस्तुत होता है, चेहरे के द्वारा हम क्या प्रस्तुत करते हैं? हाव भाव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है कि उसका आंसर सही नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप, फिर हम और आपका आंसर मिलाकर देखेंगे कि कौन सा सही जा रहा है, फिर उसको सही करा देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा चेहरे के हाव भाव की सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है? सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है किसके द्वारा होती है? नज़रों से नज़र मिलाकर जब आप बात करते हैं तब आपकी सकारात्मक अभिव्यक्ति जाती है। नेक्स्ट है, संचार के दौरान संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है? तो किस प्रकार के उससे होती है? तो 7 का आपका आंसर बी भी हो सकता है और डी भी, तो यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, संचार अवरोध को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो 8 का आंसर आपका जाएगा बी, अनुवादक के द्वारा। भाई जब आप संचार कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज हिंदी है, मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो ट्रांसलेट करके आपके पास पहुंच जाएगी, तो हम इस प्रकार के द्वारा संचार के अवरोध को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट थोड़ा जूम करके देखते हैं। देह की तनी हुई मुद्रा क्या प्रदर्शित करती है? क्या प्रदर्शित करती है? आप क्या, आपका आंसर अगर आत्मविश्वास है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अभी इस यहाँ पर हम सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन देंगे और शाम तक 6 बजे तक आपको 50 क्वेश्चन और दे देंगे और रात तक सारा कंटेंट आप तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मैडम थ्योरी, तो थ्योरी पर इस टाइम ध्यान मत दीजिए क्योंकि थ्योरी का टाइम निकल चुका है। अब सिर्फ आप MCQs को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। निम्न में से कौन सा चेहरे का सकारात्मक भाव है? तो ये 10 का आपका आंसर जाएगा, सुनते समय सिर हिलाकर सहमति, तभी तो आप सकारात्मक जवाब देंगे। नेक्स्ट है, पत्राचार किस प्रकार का संचार है? तो 11वें का आंसर आपका जाएगा सी, लिखित, जब भी आप कोई बात लिखकर ही तो बता सकते हैं पत्राचार के माध्यम से। सम्यक संचार हेतु तो योग्यताएं हैं तो सभी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। मैंने आपको कई बार बताया था जब मैंने आपको तैयारी कराई थी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ आपका आंसर ही जाता है ज़्यादातर। चलिए 13 की तरफ आ चुके हैं, संचार अवरोध नहीं है। कौन सा अवरोध नहीं है संचार का? तो 13 में आंसर जाएगा आदतें, आदतें जो हैं अवरोध नहीं है। बाकी भाषा भी होती है, संस्कृति भी होती है, भौतिक वातावरण भी होता है, लेकिन जो आदत है वो अवरोध में नहीं आती है। नेक्स्ट है आपका, संचार वक्र में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है संचार वक्र में? 14 का आपका आएगा प्रोग्रामिंग, प्रेषक भी होता है, संदेश भी होता है, प्राप्तकर्ता भी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, कार्यालय में अवकाश लेने के लिए कौन सा तरीका ठीक है? तो आप बैठक तो नहीं बुला सकते, कोई सूचना नोटिस भी नहीं भेज सकते, आप करेंगे मेल। 15 का आपका जाएगा बी, आप मेल के थ्रू अपना अवकाश ले सकते हैं, पोस्टर के माध्यम से भी नहीं।
नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को भली भांति समझने के लिए संदेश को क्या करना चाहिए, तो 16 का आंसर जाएगा सुनना। जब आप प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को भली भांति समझने के लिए संदेश को क्या करना होता है, सुनना चाहिए। अब आ चुके हैं 17 पर, कंधों को सीधा और देह को शिथिल रखना एक उदाहरण है किसका, 17 का आ जाएगा देह भंगिमा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संचार वक्र का अंतिम चरण क्या है, भाई आपका पहले आ गया जिसने आपको संदेश दिया, फिर उसके बाद जिसने प्राप्तकर्ता आ गया, आपका डिकोड करना आ गया है, तो यहाँ पर आएगा आपका लास्ट फीडबैक। डिकोड कर लिया आपने, पहले आपने प्राप्त कर लिया, फिर आपने उसका कोड बना लिया, फिर डिकोड कर दिया, फिर आपने उसका फीडबैक दिया। नेक्स्ट है आपका किसी संज्ञा के स्थान पर, अब यहाँ पर आ चुकी है आपकी संज्ञा। बहुत इजी, मुझे लगता है क्वेश्चंस इतने मैंने आपको, जब मैंने आपकी वीडियो अपलोड की थी तो मैंने आपको बहुत छोटा सा फार्मूला बताया था कि ये वाला कम्युनिकेशन स्किल वाला पेपर ऐसा है, यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको सिर्फ समझ के आप आंसर दे सकते हो, पढ़ने की थ्योरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आपकी थोड़ी सी सेंस अगर आप लगाएंगे तो आंसर आप आराम से कर लेंगे। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा आप कई बार पढ़ चुके हैं बचपन में, लेकिन इसके स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वरनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका भावना को व्यक्त करने वाला शब्द जिसके पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है क्या कहलाता है, वह तो सिर्फ ही विस्मयादिबोधक ही चिन्ह कहलाएगा, और क्या कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 21 पर हम आ चुके हैं, प्रक्रिया जिसमें कोई प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या और समझने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो 21 में क्या आंसर आप लगा रहे हैं, अगर आप 21 का लगा रहे हैं विकोडन तो बिल्कुल सही है, डिकोडिंग होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं विकोडन। चलिए आगे चलते हैं 22 पर। 22 में यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक मौखिक संचार का उदाहरण है, ईमेल में आप बोलते नहीं हैं, चुपचाप लिख के दे दिया, समाचार पत्र में भी नहीं, पत्र में भी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक आप फ़ोन कॉल करते हैं तो उसमें आपका वर्बली होता है ना, ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, किसी की ओर उंगली से संकेत करना एक उदाहरण है, हाव भाव का, देह भाव का, या फिर संकेत का, या पाराभाषा का, तो आप संकेत करेंगे तो क्या होगा, किसका उदाहरण होगा, वह संकेत का ही एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें आवाज़ के सुर गति परिमाण शामिल होते हैं, तो देख लीजिए इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। 24 का अगर आप लगा रहे हैं पारा लैंग्वेज तो बिल्कुल सही है, पारा भाषा होती है। बहुत अच्छा है ये प्रश्न, और मुझे लगता है ये कल भी आपका रिपीट हो सकता है, और रिपीट के लिए मैं कह रही हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, ये 100 भी आपने पढ़ लिए तो मुझे लगता है आपके 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और बाकी जो हमने कराए उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। किस संचार के तरीके में किसी भाषा के समझ की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ बता दीजिए कौन सा आंसर जा रहा है आपका, अगर आप लगा रहे हैं अमौखिक तो बिल्कुल सही, वहाँ पर संचार के तरीक़ों को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर संचार कौशल एक अंग है किसका, हार्ड का है, संक्षिप्त है, अभद्र है, तो आप क्या करते हैं संचार, जब आप संचार करते हैं तो कौन से कौशल में आप इसको काउंट करोगे, तो इसको आप सॉफ्ट स्किल में काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके 27 पर आ चुके हैं। संचार जिसमें सदस्य को प्रत्यक्ष मेल जोल का अवसर मिलता है कहलाता है क्या, यहाँ पर आप दो में कंफ्यूज हो गए होंगे, सामूहिक चर्चा और जनसंचार, लेकिन यहाँ पर अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल सही लगाया, अगर आपने जनसंचार लगाया है तो आपका रॉन्ग हो चुका है, ये दो तो खैर होंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से ज़रूर आप कंफ्यूज हुए होंगे, तो यहाँ पर सामूहिक चर्चा आएगा, क्यों, क्योंकि संचार जिसमें सदस्यों को प्रत्यक्ष मेल जोल का अवसर मिलता है, तो जनसंचार में हम आपस में मेल जोल नहीं करते हैं, यहाँ कोई एक आदमी खड़ा हो गया और वो आपस में उसने कर दिया तो उसने जनसंचार किया पूरी जनता से, लेकिन सामूहिक चर्चा में क्या है, आपस में हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है संचार के संदर्भ में एक फोटोग्राफ को एक के रूप में ग्रहण किया जाता है, किसके रूप में ग्रहण किया जाता है, तो 28 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर हम इसमें लगाएंगे आंसर तो हम जाना चाहेंगे ओपन टेक्स्ट के, ठीक है,
क्योंकि आप बिल्कुल फोटोग्राफ के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, खुला पाठ दे रहे हैं एकदम, कुछ में छुपा हुआ नहीं है। बाकी ये डाउटफुल आंसर है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आ चुके हैं हम 29 पर। संपर्क कौशल किसी एक में उतने महत्वपूर्ण होते हैं, किस में भाई? अगर आपको अपनी जो है व्यवसाय बढ़ाना है, वहाँ भी आपको ज़रूरत है कम्युनिकेशन स्किल की। और अगर आपको व्यापार, वैसे तो व्यवसाय और व्यापार एक ही उसमें होते हैं, लेकिन अगर आपको व्यापार बढ़ाना है तो वहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत होगी, तो ये भी दोनों जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रभावी संचार क्या है। प्रभावी संचार में वाली बातें मदद करता है क्या भाई? पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए आपको अच्छे से, आप अच्छे लिसनर भी होने चाहिए, तभी आपका प्रभावी संचार हो सकता है। कहते हैं ना कि जो अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभावी तरीके से संचार हेतु किसी व्यक्ति में सक्षम होना चाहिए। भाई ये तो हमने करा दिया है, यहाँ पर भी आपका सेम सा यही क्वेश्चन, पढ़ना लिखना बोलना सुनना सभी आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सूचना को की सहायता से साझा करना मौखिक संचार कहलाता है, तो संकेत का, शब्द का, दृश्य का या फिर लेखन का? तो 32 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही है। किसी सूचना को शब्द की सहायता से साझा करना मौखिक संचार कहलाता है। लेखन की सहायता से तो नहीं कर सकते, संकेत की सहायता से नहीं कर सकते, दृश्य, तो मौखिक संचार हम शब्दों के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब आ जाइए 33 पर। जब कोई उपकरण किसी संदेश को कई गुना बढ़ाकर एक बड़े जन समुदाय तक पहुंचाता है, तब उसे क्या कहते हैं? देखिए मैंने अभी ऊपर जस्ट अभी समझाया था आपको, जब कोई उपकरण किसी संदेश को कई गुना बढ़ाकर कहे या बड़े जन समूह को क्या पहुंचाता है, अपनी बात पहुंचाता है, तो वो क्या कहलाएगा? जनसंचार। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। नेक्स्ट है, खुश होने पर मुस्कुराना और दुखी होने पर चेहरे पर दुख का भाव प्रकट होना किसका उदाहरण है? हाव भाव का, इशारे का, लिखावट का? आप लिख कर तो नहीं बता सकते, इशारे से तो नहीं बता सकते, आपके हाव भाव ही बता देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि चेहरा आपको सब कुछ बता देता है, असली नकली चेहरा। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक स्तर पर कितने % संचार अमौखिक होता है? तो यहाँ पर आंसर आपका थोड़ा हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला मामला है। तो हमने जो पढ़ा था वो हमने 70% पढ़ा था अमौखिक, ठीक है। वैसे तो लिखित दोनों 50-50 का ही रोल होता है, लेकिन अमौखिक हमने 70% पढ़ा है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए 36 पर आ चुके हैं। प्रभावपूर्ण श्रवण के क्या उद्देश्य हैं? यानी कि जब आप कोई बात सुनते हो, मैंने भी आपको बताया था कि जो सबसे अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो सबसे अच्छा लिसनर हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई कि प्रभावपूर्ण श्रवण के क्या उद्देश्य हैं। जब आप ठीक से श्रवण की प्रेरणा देना, संदेश के वास्तविक अर्थ को समझना, कार्यशीलता में वृद्धि करना, तो यहाँ पर आपके सभी आएंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रभावपूर्ण श्रवण में क्या नहीं करना चाहिए? तो सुनने की अपेक्षा बोलने पर ध्यान ना दें, तभी आप अच्छे लिसनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर संपर्क में नज़रें मिलाकर आप आई कांटेक्ट करके बातें सुनें, संदेश को सावधानी से सुनना चाहिए और संदेश को याद करना। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या नहीं करना है हमें बता दीजिए जल्दी से। 37 का बिल्कुल सीधा सीधा, सुनने की अपेक्षा बोलने पर ध्यान, तो हमें ये नहीं करना है, बाकी हमें सब चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है आपका 38, श्रवणता में अवरोधक है। जब आप सुनते हैं कोई बात, वहाँ सबसे बड़ा अवरोधक क्या हो सकता है? भाई सम्मान तो नहीं हो सकता, शारीरिक प्रतिक्रिया थोड़ा बहुत हिल डुल लिए कोई बात नहीं, कोई शंका आपके मन में आई है उसका स्पष्टीकरण आप मांग रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप क्रोध करते हैं किसी की बात सुनकर, तो वो सबसे बड़ा अवरोधक आपका हो सकता है। अब देखिए 39, निम्न में से किसमें से एक से अधिक आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाता है? तो व्यवहारिक में, तनाव में, समूह में, ऑडिशन में, तो तनाव तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर दीजिए। 39 में आंसर वैसे तो सी जा रहा है हमारा, लेकिन इसमें ऑडिशन भी हो सकता है, ठीक है, सी और डी हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नौकरी है तो साक्षात्कार के लिए पोशाक कैसी हो?
आप जीन्स पहनेंगे, ज़्यादा मेकअप करके जाएंगे, गर्म पैंट पहन के जाएंगे या फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे। तो ये तीनों तो बिल्कुल ही बकवास लग रहा है, ये वाला आंसर बिल्कुल आपका सही जाएगा। नेक्स्ट है आपका साक्षात्कार हेतु व्यक्ति से संपर्क करने का तरीका ताकि इनकार दर सबसे कम हो। अगर आप साक्षात्कार ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप इनकार ना करें, कुछ इस तरह का आपका इंटरव्यू हो तो क्या होगा, आप टेलीफोन के द्वारा, पत्राचार के द्वारा, MMS द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके। तो यहाँ पर हमें जो सही लगा पत्राचार के द्वारा लगा, क्योंकि आप टेलीफोन पे एकदम से मना कर सकते हैं, आप जो है SMS के द्वारा भी मना कर सकते हैं एकदम से, व्यक्तिगत अगर आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं तब भी। लेकिन पत्राचार में क्या होगा, आपके पास लेटर आ गया, आपने सोचा चलो नहीं देते हैं जवाब कोई बात नहीं, तो उसमें इनकार दर के हो सकता है आपने दिया हो, बहुत टाइम के बाद दिया हो, तो वहाँ पर इनकार दर कम रह जाती है। नेक्स्ट आपका जा रहा है क्वेश्चन 42। जब किसी व्यक्ति से दिए गए किसी विषय पर गहराई से जानकारी प्राप्त करनी हो तब किया जाता है क्या? तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 42 में क्या लगा रहे हैं आप, अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ भी आंसर देखिए, वैसे तो केंद्रित साक्षात्कार होना चाहिए लेकिन ये साक्षात्कार जो है आपका संरचनात्मक यानी के स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका जा रहे हैं 43। एक जनगणना करने वाला, जनगणना तो सभी समझते होंगे, निम्न में से किसके द्वारा आंकड़े इकट्ठा करता है? जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, आपके घर भी आए होंगे। तो यहाँ पर मानकीकृत, साक्षात्कार, फोकस, अवलोकन, तो देखा होगा अपने घर घर जाते हैं कि आपके घर में कितने कैंडिडेट हैं, कितने हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो एक ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर उसे और अधिक जाना जा सकता है? आपने फ्री कर दिया कि आपको जो आ रहा है जी में, हमने क्वेश्चंस आपको दाग दिया है और आप वो आंसर अपने हिसाब से उसको दे रहे हैं। वहाँ पर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई है कि आप उस क्वेश्चंस को किस वे में देखते हैं और अपने विचार किस प्रकार से वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो वो किस में करेंगे, आप एक साक्षात्कार में ही कर सकते हैं, सर्वे में नहीं। आप जानकारी लेंगे आ जाएंगे, वहाँ अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। केस स्टडी में आपको सिर्फ अपना ढूंढ नहीं है चीज़ें, अवलोकन में भी आप सिर्फ ढूंढेंगे, लेकिन साक्षात्कार में आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है, उसमें आप अपनी अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आ चुके हैं 45 पर, बहुत देर हो चुकी है बोलते बोलते अब हमारे भी, तो हम 50 ही देंगे आपको और शाम को डाल देंगे एक वीडियो आपकी, पर आंसर आपको पहुंच जाएंगे। जब साक्षात्कार करदाता को पहले ही प्रश्न दे दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 45 का अगर आप आंसर यहाँ पर भी देखिए, आंसर मैं बता देती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब हम पहले ही आंसर दे देते हैं तो वहाँ पर आपका संरचनात्मक साक्षात्कार भी हो सकता है और केंद्रित भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 46 पर। प्रभावपूर्ण श्रवण के लिए आवश्यक है, देखिए यहाँ कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं लिसनर से संबंधित, यहाँ पर हियरिंग से संबंधित बहुत क्वेश्चन है। संप्रेषक से नज़रें मिलाना, संदेश को सावधानी से सुनना, संदेश को सुनकर याद रखना, और देखिए आप देखिए ये रिपीटेड लग रहा है आपको, पूछने का ढंग बदल दिया गया है। ऐसे ही कल आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड होंगे, पूछने का ढंग चेंज कर देंगे। यही क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ऊपर सेम था वहाँ पर, लेकिन क्या किया उन्होंने, बीच में दूसरा ऑप्शन डाल दिया। वहाँ पर नहीं पूछा गया था कौन सा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पूछ लिया क्या आवश्यक है, तीनों आ गए यहाँ पर वही। चलिए 47 देख लेते हैं। प्रभावपूर्ण श्रवण के लिए आवश्यक नहीं है, वहाँ पर तो आवश्यक पूछा गया था लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं कि आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो संदेश को निष्पक्ष होकर सुनना आवश्यक है, सत्यता की जांच करना, संदेश को सुनकर भूल जाना, संदेश सुनने के बाद उचित शारीरिक प्रतिक्रिया देना। तो 47 का आपका आंसर जाएगा डी, आपका जरूरी नहीं कि आप प्रतिक्रिया दें, आप खाली सुन भी सकते हो, सत्यता की जांच आप कर सकते हैं, संदेश को सुनकर आप भूल जाए ये भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन शारीरिक प्रतिक्रिया देना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका एक बी भी हो सकता है, मतलब श्योर नहीं है, बी भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सत्यता की जांच करें।
है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत डाउटफुल है, लग रहा है ये भी है ये भी है ये भी है, तो बाकी आंसर की आने से पता चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से यही होने चाहिए। ठीक है, अब आ चुके हैं 48 पर। प्रभावपूर्ण श्रवण के क्या लाभ हैं? जब आप अच्छा सुनते हैं तो क्या हो सकता है? आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। आपने बहुत कोई टॉपिक बड़े ध्यान से सुना तो आपकी वृद्धि हुई उसमें, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, आपकी जागरूकता में भी वृद्धि होती है। अरे अच्छा, इतना अच्छा ये लेक्चर दे रहे हैं तो सुनना अच्छा लगता है। व्यवसाय में सहायता मिल सकती है आपके, हो सकता है वो टॉपिक ऐसा हो कि जो आप काम करते हैं उससे वो रिलेटेड हो, तो वो आपके काम आ सकता है, तो उपरोक्त सभी हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। जब संदेश लिपिबद्ध होता है तो किस प्रकार का संप्रेषण होता है? लिपिबद्ध क्या करना होता है? जब हम किसी बात को लिख देते हैं, लिपि की परिभाषा जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो जानते ही होंगे कि किसी बात को लिपना पोतना या कहना लिख देना, वह लिखित में जाता है, तो ये हो गया आपका लिखित। चलिए आगे चलते हैं। लिपिबद्ध करना लिखित ही होता है। किसी संप्रेषण में संदेश को भेजते समय प्रेषक को सूचित व्यक्ति के समक्ष उपलब्ध होने की आवश्यकता नहीं होती है। किस में नहीं होती है, लिखित में या मौखिक में? भाई मौखिक में तो आप आमने सामने ही बात कर पाओगे ना, लेकिन जब आप संदेश भेज रहे हो तो वह लिखित में नहीं होगा। भाई आपने भेज दिया, ज़रूरी नहीं वो आपके सामने हो, समक्ष हो वो व्यक्ति, तो आप लिखित में जब भेजोगे तो वो सामने ना हो, लेकिन जब आपको मौखिक करना है तो वो आपके सामने होना चाहिए। लेकिन आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मौखिक में भी, जैसे आपने फ़ोन पे बात की तो मौखिक होगी वो बात आपकी। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, किसी संप्रेषण में संदेश को भेजते समय प्रेषक की, अब ये भेजते समय लिखित और मौखिक दोनों भी हो सकते हैं। लिखित तो है डेफिनेटली है, लेकिन आजकल टेक्निकल हमारा ज़माना है तो उसमें जो है फ़ोन के द्वारा हम कोई बात पहुँचा सकते हैं, संदेश को भेज सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोन पे हम बात करके, सिर्फ फ़ोन ही हो सकता है मौखिक में, और तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आपके पास 50 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट 50 भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि रात तक आप सारा कंटेंट पहुंच जाए आप तक। बाकी जितना पहुँच चुका है उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन आपने देखा कि रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनको पूछने का तरीका उन्होंने दूसरा चेंज किया है। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और एक लाइक की भी ज़रूरत है इतनी मेहनत के बाद, और एक शेयर की भी ज़रूरत है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बीए के एग्ज़ाम रह चुका है। और एक हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन की भी ज़रूरत